और इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पहुंचे अशोकनगर। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर पहुंचे। शहर में जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन में हुए शामिल। विधायक जसपाल सिंह जज्जी के घर पहुंचकर वर वधू को दिया आशीर्वाद। शहीद उपनिरीक्षक राजकुमार जाटव के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढाढ़स। अशोकनगर में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, सांसद डॉक्टर केपी यादव, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अजय यादव और विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी रहे मौजूद। गुना मुठभेड़ मामले में बोले सिंधिया, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। देखिए, पहले से ही हमारे पार्टी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये संकल्प लिया था कि चुनाव होंगे तो ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो समरसता तय करने का निर्णय लिया था उसी के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसी तारतम्य में आरक्षण को बनाए रखते हुए ये चुनाव अब जल्द ही जल्द घोषित होगा। अब राज्य चुनाव आयोग को कहा गया है कि सूची लेकर जल्द से जल्द घोषणा करने के लिए, अब उसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। एक अशोकनगर से आपने अभी रेल लाइन नहीं कर रही है, हमारी कोशिश है कि जो प्रगति और विकास की तीव्र गति प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के साथ, गति शक्ति योजना के साथ, रोड्स के साथ, रेल के साथ, हवाई सेवा के साथ, जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र हर जिले को छू पाएँ। बहुत दिनों से मैं प्रयासरत भी था, वर्तमान में हमारे सांसद भी प्रयासरत हैं कि इस रेल योजना का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है सर्वे करने के लिए। अब सर्वे के लिए समय लगता है, सर्वे के बाद उसे हमें पुश करना पड़ेगा और उस कार्य पर पूरी तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक विकास और प्रगति की बात है, गुना अशोकनगर शिवपुरी के लिए चाहे सड़कों की बात हो, रेल सुविधा की बात हो, अनेक और विकास और प्रगति की बातें, उस पर हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री और हमने कई बात चर्चा की है, नए बांधों की और तालाबों की भी हम बात कर रहे हैं। पूरी में सरकुला बांध की भी स्वीकृति केंद्र सरकार से हमने पर्यावरण मंत्रालय से दिलवा दी है, अब उसके भी टेंडर जल्द से जल्द तक जाएंगे। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। इतना बुरी घटना मेरे पिछले 15-20 साल के जनसेवा के इतिहास में जो कृत इन लोग ने किया है, पहले तो मासूम जानवरों को मारना और उसके बाद जब पकड़े जाएं तब पुलिस के ऊपर गोली लगाना। हमारी पुलिस की फौज